तो मेरे दोस्तों, हर हफ्ते आपके लिए कुछ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर आता हूँ मैं। बट ये जो न्यूज कल निकल कर आई है, ये इंटरेस्टिंग तो है पर बिल्कुल भी गुड न्यूज नहीं है, खास तौर पे मार्वल के फैंस के लिए। और जिस तरीके की सिचुएशन से अभी मार्वल जूझ रहा है, तो इस इवेंट के बाद से मार्वल की कंडीशन और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। तो इसी पर बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू एमी एक्सप्लेन। तो अगर आपको याद हो तो जोनाथन मेजर्स, जो एमसीयू के अंदर कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले करते हैं, उनके ऊपर एक केस हो गया था जो कि उन्हीं की एक्स गर्लफ्रेंड ने करवाया था। और ये केस था फिजिकल असॉल्ट का, जिसमें जोनाथन मेजर्स की गर्लफ्रेंड के मुताबिक जोनाथन ने उनको नशे की हालत में मारा पीटा। और ये केस पिछले 3 महीने से चल रहा था और सबको यही लग रहा था कि जोनाथन मेजर्स ये केस जीत जाएंगे और मार्वल में आगे कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कल ये न्यूज निकल कर आई है कि जोनाथन मेजर ये केस हार चुके हैं और इस केस में जोनाथन मेजर्स गिल्टी साबित हुए हैं। और इसी के बाद से 99% ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि मार्वल अब जोनाथन मेजर्स के साथ काम नहीं करेगा और फ्यूचर में कैंग द कॉन्करर का रोल जोनाथन मेजर्स प्ले नहीं करेंगे। तो इसके साथ भी 2 सवाल निकल कर आते हैं कि क्या कैंग द कॉन्करर को ही मार्वल बिल्कुल चेंज करके डॉक्टर डूम पे स्टोरी शिफ्ट कर देगा या फिर कैंग को मार्वल रिकास्ट कर लेगा। तो अगर आप मेरी न्यूज वाली वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि अभी कुछ दिनों पहले कुछ लीक्स आई थी कि मार्वल कंसीडर कर रहा है डॉक्टर डूम को कैंग की जगह पर लाने के लिए। और मार्वल ने कुछ प्लान्स भी इस तरीके के बना लिए हैं कि डॉक्टर डूम को सेटअप किया जाएगा और कैंग से भी हैवी विलन बनाया जाएगा इन केस जोनाथन मेजर्स गिल्टी साबित हो जाते हैं। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि प्रोबेबली मार्वल डॉक्टर डूम पर शिफ्ट हो जाए। बट इसी के साथ साथ एक चीज जो बहुत ही आसानी से मार्वल कर सकता है, वो कर सकता है जोनाथन मेजर्स को कास्ट। खैर, आसानी से तो मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि जोनाथन मेजर्स बहुत ही लाजवाब एक्टर थे, उनके शू को फिल करना कोई आसान बात नहीं होगी। बट फिर भी कुछ एक्टर्स हैं कि जो कैंग का रोल प्ले कर सकते हैं, और क्योंकि कैंग एक मल्टीवर्सल बींग है तो उसको अलग अलग चेहरों में दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन की शक्लें अलग होती हैं, जो कि इस चीज को कंफर्म कर देता है कि भाई वेरिएंट्स अलग हो सकते हैं, मेल फीमेल भी हो सकते हैं और जानवर तक हो सकते हैं। और मार्वल न्यू कैंग को ये कहकर इंट्रोड्यूस करवा सकता है कि जो मेन कैंग था ना, जो असली पावरफुल डैडी कैंग है, वो तो अभी तक आया ही नहीं था, और जो नए एक्टर को कास्ट करेंगे उसको फुल डैडी कैंग उसको बना देंगे, पूरे एमसीयू का सबसे पावरफुल भाई, जो थानोस तक को इतनी आसानी से हरा देता था। और कैंग के पोटेंशियल का एमसीयू में अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला है भाई। एंड मैन एंड द वॉस क्वांटमेनिया तो वो चेटियों से हार जाता है। तो हाँ, मार्वल काफी आसानी से कैंग को रिकास्ट कर सकता है। आपका इन सब चीजों पे क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।